मेरा नाम है सौरभ भट्ट, देशकामी पोत का तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एवं उन कलाकार टैटू आर्टिस्ट एट क्वालकॉट टैटू स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। ये है थर्ड मेट गाइड सीरीज। यदि आप पहली दफा फ्रेशर थर्ड मेट की रैंक पर जहाज पे जा रहे हैं, आपको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है कि किस प्रकार से LSA FFA की मेंटेनेंस करनी है, किस प्रकार से आपको चलना है, प्रतिदिन डेक पे आपको अपनी ड्यूटी निभानी होती है, 1 से 3 बजे तक का टाइम आपके पास होता है, इस समय को आप किस प्रकार से सदुपयोग करेंगे कि आपकी मेंटेनेंस भी सही रहे, LSA FFA की PSC इंस्पेक्शन भी अच्छे से पास हो और कोई ऐसा खतरा ना आए जिससे बात आपकी नौकरी पे आ जाए। तो मेरे इस धारावाहिक से आप जुड़े रहिए। यदि आप पहली दफा एज अ थर्ड ऑफिसर जहाज पे जा रहे हैं, यदि इसकी पिछली कड़ियों को आपने नहीं देखा, तो मैंने पहली कड़ी में बात की कि पहले दिन फायर एंड सेफ्टी प्लान लेकर डेक का राउंड लगाएं, दूसरे दिन मस्टर स्टेशन का निरीक्षण करें और फिर प्रतिदिन आप एक लक्ष्य बनाएं कि आज के दिन मैं फलाना फलाना इक्विपमेंट का निरीक्षण करूंगा। आज के दिन हम निरीक्षण करेंगे लाइफ बोट का क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। लाइफ बोट सबसे पहले बाहर से देखिए, बाहर से निरीक्षण करें, ठीक है। बाहर से क्या क्या देखना चाहेंगे? हल शुड बी इंस्पेक्टेड फॉर डैमेज एंड शेफिंग ऑफ क्रैब लाइंस एंड फेंडर्स। सबसे पहले हल देखिए, हल अर्थात बॉडी। आप लाइफ बोट डेक पे जाएं, लाइफ बोट को आगे से पीछे देखें, ऊपर चढ़ के देखें, कोई एनी साइन ऑफ डैमेज, कुछ विध्वंस होता हुआ दिख रहा है, कहीं पे कुछ घसा हुआ है, देखें। खास तौर पे ग्रैब लाइंस देखें। ग्रैब लाइंस पता है आपको क्या होती हैं? जो लाइफ बोट के साइड पे ऐसे छोटी छोटी रस्सियां यू शेप में लटकी होती हैं, गूगल पे देखिए किस प्रकार से नजर आती है। ग्रैब लाइन को आपने देखना है कहीं से टूटी तो नहीं हुई। फिर आपने देखना है जो फेंडर्स हैं, लाइफ बोट पे फेंडर्स लगे हुए हैं बहुत सारे, सब ठीक हैं, विध्वंस तो नहीं हो रहा किसी का, कोई टूट तो नहीं रहे, किसी की शेफिंग ज्यादा तो नहीं हुई। शेफिंग आप समझते हैं, घर्षण, घर्षण के कारण जो घिस जाता है उसे कहते हैं शेफिंग, शेफिंग तो नहीं हो रखी। देखें, निरीक्षण करें इन चीजों का। मार्किंग्स स्टेंसिलिंग चेक। अब मार्किंग्स चेक करनी है, स्टेंसिलिंग देखनी है, स्टेंसिलिंग मिट तो नहीं गई, ये देखनी है कौन सी स्टेंसिल्स, कौन से मार्किंग्स होने अनिवार्य हैं। शिप्स नेम, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, शिप्स नेम और पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री मस्ट बी स्टेंसिल्ड, ठीक है। शिप्स नेम और पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री कहां कहां होना चाहिए? पोर्ट साइड, स्टारबोर्ड साइड, दोनों साइड। हो सकता है एक साइड के लिए, एक साइड तो शिप साइड पे हो, दूसरी साइड आपकी ओवर साइड हो। यदि ऐसा है तो अकेले में आप स्टेंसिलिंग ना करें, ये तो कॉमन सेंस है। आपको अच्छे से स्टेज शायद लगानी पड़े, शायद और जुगाड़ बिठाना पड़े, अकेले में ना करें। तजुर्बे वाला बोसन हो उसके, उससे आप मार्गदर्शन लें, उससे सलाह लें, फिर आगे बढ़ें। साइज शुड बी प्रिंटेड, सॉरी एक बार फिर से, मार्किंग्स एंड स्टेंसिलिंग्स क्या क्या होनी चाहिए? नेम ऑफ द शिप, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, पोर्ट साइड पे भी होना चाहिए, स्टारबोर्ड साइड पे, फिर IMO नंबर, फिर लाइफ बोट नंबर। देखिए, हो सकता है दो लाइफ बोट हो, तो लाइफ बोट नंबर होता है लाइफ बोट 1, लाइफ बोट 2। कौन सी 1 है, कौन सी 2 है? अधिकतर जो स्टारबोर्ड साइड पे होती है वो 1 होती है,
अधिकतर जो स्टार्बोर्ड जो पोर्ट साइड पे होती है लाइफ बोट वो टू होती है। देखें कौन सी वन है कौन सी टू है, स्टेंसिल हो रखा है या नहीं। यदि हो रखा है मिट तो नहीं रहा, और अगर स्टेंसिल ही ना हो रखा हो कैसे पता चलेगा। आप फायर एंड सेफ्टी अरेंजमेंट प्लान देखें, वो नहीं तो आप सर्टिफिकेट्स खोलें, सारे सर्टिफिकेट्स खोलें, LSAFFA के सर्टिफिकेट फाइल कहाँ होगी, कप्तान के पास होगी, उससे मांगे, उसमें पढ़ें कौन सी लाइफ बोट वन है कौन सी टू है। लाइफ बोट कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब एक लाइफ बोट में अधिकतम कितने व्यक्ति सवार हो सकते हैं, ये लिखा होना चाहिए। जैसे 24P लिखा होता है, मतलब 24P मतलब persons, 24 व्यक्ति इस लाइफ बोट में सवार हो सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। ये कहां से पता चलेगा, मान लीजिए लिखा ही ना हो, मिटा हो, कहां से पता चलेगा। सर्टिफिकेट खोले, मैंने अभी बात की, सर्टिफिकेट खोले, सर्टिफिकेट्स में सब सारी सारी जानकारी दी गई है, जो सर्टिफिकेट में लिखा है वही उसमें लिखें। और याद रखें जहाज पे कदापि लाइफ बोट कैपेसिटी से अधिक व्यक्ति सवार नहीं होने चाहिए। यदि लाइफ बोट कैपेसिटी 24P बोलती है, 24 persons बोलती है, तो आपकी लाइफ आपके जहाज पे 24 से अधिक लोग नहीं आने चाहिए, ये भी याद रखें। ओपन शट शुड बी स्टेंसिल्ड ऑन हैच हैंडल्स। कितने हैच होते हैं एक लाइफ बोट में, कितने हैच होते हैं, कम से कम दो होते हैं, अधिकतर एक हैच आफ्ट में होता है और एक ऊपर होता है जो ऐसे खुलता है, मतलब लाइफ बोट के आप अंदर हो तो एक ऊपर से खुलता है और एक आफ्ट से खुलता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर बोट स्टारबोर्ड में है तो भी दो आपके हैचेस होंगे, कम से कम दो हैचेस तो हैं, हैचेस के हैंडल्स होते हैं, ठीक है ना, जो जिससे ओपन शट करते हो, तो डायरेक्शन उसमें स्टेंसिल की जानी चाहिए, दिशा कि कौन सी दिशा में ओपन होता है, इस दिशा में ओपन है या इस दिशा में, तो वो इस प्रकार से पॉइंटर बना होना चाहिए कि इस प्रकार से ओपन शट। अब आप कोई उदाहरण दो, आप देख रहे हैं ये हैंडल है, ठीक है ना, ऐसे ओपन होता है ऐसे शट होता है, सही है, हैंडल ऐसे है, तो यहां पे S फॉर शट स्टेंसिल करें, यहां पे O फॉर ओपन शट करें, इतना आसान स्टेंसिलिंग होनी चाहिए। फिर इसके बाद FPD फॉल्स प्रिवेंटिंग डिवाइस इन केस ऑफ डेबिट लॉन्च्ड लाइफ बोट शुड बी प्रेजेंट। अगर आपकी लाइफ बोट फ्री फॉल नहीं है तो इसका मतलब आपकी लाइफ बोट डेबिट लॉन्च्ड है, ठीक, डेबिट से उठाई जाती है, सही। अगर ऐसा है तो इसका मतलब उसमें ऑन लोड ऑफ लोड रिलीज मैकेनिज्म भी है, ठीक है, और ऑन लोड ऑफ लोड रिलीज मैकेनिज्म है और डेबिट से उठाई जाती है, लॉन्च की जाती है, ऐसे में याद रखें लाइफ बोट पे फॉल्स प्रिवेंटिंग डिवाइस जरूर होनी चाहिए, इसके बिना आप लाइफ बोट के अंदर कदापि ना जाएं, कभी भी एक्सीडेंटल रिलीज लाइफ बोट का हो सकता है। लाइफ बोट का एक्सीडेंटल रिलीज मतलब अनचाहे, हम तो चाहते नहीं कि रिलीज करे, पर हुक्स अपने आप रिलीज हो सकती हैं कभी भी लाइफ बोट की, इसलिए बहुत बड़ा खतरा है, फॉल्स प्रिवेंटिंग डिवाइस के बगैर कभी भी उसके अंदर ना जाए। मैं ग्लोबल टैंकर्स में था, उसमें डेविड लॉन्च लाइफ बोट थी, फॉल्स प्रिवेंटिंग डिवाइस ही नहीं। मैंने आग्रह किया था कंपनी को कृपया आप दें, उन्होंने नहीं दिया। अब PSC भी थी, फॉल्स प्रिवेंटिंग डिवाइस भी नहीं है, लाइफ बोट के अंदर जाना भी जरूरी है, गया फिर मैं ऐसे ही अंदर, बच गए। तो इतना आप ख्याल रखें
कंपनी पे प्रेशर बना के रखें थोड़ा, ठीक है। और आगे आप क्या देखेंगे, चेक इफ लॉन्चिंग इंस्ट्रक्शंस आर पोस्टेड। अब ये बहुत जरूरी चीज है, आपकी लॉन्चिंग इंस्ट्रक्शंस साफ तौर पे चिपकी होनी चाहिए। जो आपका लाइफ बोट डेक है वहीं पे किसी दीवार पे इंस्ट्रक्शंस चिपकी होनी चाहिए, और ये इंस्ट्रक्शंस ना केवल अंग्रेजी में हो, लिखित रूप में हो, ये चित्रात्मक रूप में हो, पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्चर्स के फॉर्म में ये चिपकी हो, ये बहुत जरूरी है। पिक्चर्स के फॉर्म में पिक्चर भी हो और साथ में लिखा भी हो कि किस प्रकार से हमें लॉन्च करना है, ये बहुत आवश्यक है। इम्पा में ये स्टिकर मौजूद है, आप सीधा ऑर्डर कर सकते हैं यदि आपके बल्क हेड पे नहीं लगा हो तो। और आप क्या देखते हैं, चेक पोजीशन एंड कंडीशन ऑफ रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप्स। अब रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप्स रेस्क्यू बोर्ड पे भी होती है, लाइफ बोर्ड पे भी होती है, लाइफ जैकेट पे भी होती है, इमोशन सूट पे भी होती है। इन सब चीजों में आपको ख्याल रखना चाहिए रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप अभी भी कारगर है, चमक रही है अभी भी, कहीं उखड़ तो नहीं रही, कहीं उखड़ ही तो नहीं गई। अगर ऐसा है तो नई रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप मंगाएं, चिपकाएं। और आगे आप क्या देखते हैं, इफ यू आर एट सी देन सेफ्टी हार्बर पिन मस्ट नॉट बी सिक्योर्ड, इट शुड बी सिक्योर्ड ओनली व्हेन यू आर एट हार्बर। इस बात को समझे, देखिए सेफ्टी हार्बर पिन के बारे में आप सबको पता है क्या होती है। सेफ्टी हार्बर पिन क्यों होती है, सेफ्टी हार्बर पिन इसलिए होती है कि अनचाहा रिलीज ना हो जाए। जब आप नहीं चाहते लाइफ बोट को रिलीज करना, उस समय लाइफ बोट रिलीज ना हो जाए, ये काम होता है सेफ्टी हार्बर पिन का। अब नियम के अनुसार सेफ्टी हार्बर पिन कब आपको लगानी होती है, सिर्फ जब आप हार्बर पे होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं सेफ्टी हार्बर पिन। जब आप हार्बर पे हैं सिर्फ तभी ये लगी होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जब हम सेल करते हैं उस दौरान भी हम इसे लगाते रहे, क्यों, क्योंकि हमें डर होता है हैवी वेदर में कहीं निकलना जाए लाइफ जैकेट लाइफ बोट, हमें डर होता है कि एक्सीडेंटल रिलीज ना हो जाए, कहीं सेल्फ रिलीज हो जाए हुक्स, ठीक है ना। रात को सोए सुबह देखा तो लाइफ बोट गायब, अगले दिन थर्ड ऑफिसर भी गायब और हो सकता है कप्तान भी गायब। तो इस वजह से हम सेफ्टी हार्बर पिन सेलिंग के दौरान भी लगा के रखते हैं, लेकिन नियम के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वेयर यदि आपको पूछे कि आप क्या एट सी लगाते हो, आप मना कर दो, नहीं भाई सेफ्टी हार्बर पिन हम सिर्फ बंदरगाह में लगाते हैं, हम कभी भी दरिया में इसे नहीं लगाते, आप ऐसा कहें सर्वेयर को, ठीक है, लेकिन वास्तव में आप लगाते हैं। और इससे सेफ्टी रहती है कि कहीं गलती से ना निकल जाए, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे विलंब ये पैदा करता है, ये एक टाइम बढ़ा देता है बोट्स को रिलीज करने के लिए, ये आप याद रखें। आगे ये चेक द एंट्रेंस डोर एंड हैच, चेक कंडीशन ऑफ रबर पैकिंग। अब हमने बाहर से सारा निरीक्षण किया, अब काम करते हैं, अब अंदर जाएंगे, लेकिन अंदर जाने के लिए दरवाजा द्वार खोलना पड़ेगा। तो अब द्वार खोले, अब द्वार खोलते ही इन द्वारों का आप निरीक्षण करें, कितने द्वार होंगे। मैंने कहा कम से कम दो हैचेस तो होंगे ना, एक या तो आफ्ट में होगा, एक ऊपर होगा डेक हेड पे। इसको क्या कहते हैं जमीन को, फ्लोर को क्या कहते हैं, डेक। तो ये ऊपर सीलिंग है, इस सीलिंग को क्या कहते हैं, डेक हेड, ठीक है। तो एक हैच डेक हेड पे होगा, एक आपका आफ्ट में होगा, अगर ऐसा नहीं है तो एक पोर्ट साइड पे होगा, एक स्टार्बोर्ड साइड पे होगा। दोनों द्वारों को खोलें, निरीक्षण करें, किस चीज का, पहली बात रबर पैकिंग जो है वो सही है, अकड़ तो नहीं गई, ग्रीस तो नहीं लगी हुई, पेंट तो नहीं लगा हुआ, हर अकड़ी हुई चीज अच्छी नहीं होती,
अकड़ तो नहीं गई, ठोस तो नहीं गई। रबर पैकिंग ठोस नहीं चाहिए, वो नरम ही चाहिए। स्वभाव नम्र हो आपका, रबर पैकिंग नम्र हो, लाइफ जैकेट भी ठोस ना हो, नम्र हो, नम्रता। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने चेक किया, हैचेस खोले, रबर पैकिंग चेक की, रबर पैकिंग टूटी तो नहीं है, रबर पैकिंग पे पेंट तो नहीं है, रबर पैकिंग ठोस तो नहीं हो गई, ये सारी चीजें देखी। उसके बाद अब हम चले गए अंदर, लाइफ बोट के अंदर चले गए। अब अंदर जाके क्या क्या चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले इंजिन्स शुड बी ट्राइड आउट, इंजिन्स को ट्राई करें, इंजन चल भी रहा है कि नहीं। वैसे ये किसकी ड्यूटी होती है, इंजन, इंजन की, लाइफ बोट इंजन की, फोर्थ इंजीनियर, लेकिन उसके भरोसे मत रहो। कुछ गड़बड़ हुई पीएसी के सामने, कुछ गड़बड़ हो गई, इंजन नहीं चले, खतरा दोनों की नौकरी को है, फोर्थ इंजीनियर की भी, थर्ड ऑफिसर की भी। इसलिए आप खुद स्वयं चला के देखिए, और देखिए इंजन चलाने का मतलब ये नहीं है कि स्टार्ट दबाया गर गर ऑफ कर दो, ऐसे नहीं। 3 मिनट के लिए चला के देखें, 3 मिनट चल रहा है, अच्छे से चल रहा है कि नहीं। और देखिए 2 बैटरीज होती हैं, दोनों पे रन करके देखें, पहले फर्स्ट बैटरी पे रन करें, फिर सेकंड बैटरी पे रन करें 3 मिनट के लिए। ठीक, इसे याद रखें। हेल्म फ्रॉम हार्ड ओवर टू मिडशिप एंड चेक इफ रडर मूव्स अकॉर्डिंगली। अब इस कार्य के लिए एक व्यक्ति आपको बाहर चाहिए, एक व्यक्ति को बाहर रखें प्रोपेलर के पास, वो प्रोपेलर को देखता रहे। अब आप हेल्म पकड़ें, हेल्म मतलब जो स्टीयरिंग व्हील होता है, स्टीयरिंग व्हील पकड़ें, पोर्ट में घुमा दें, बाहर वाले से वॉकी टॉकी पे पूछें, हाँ भाई किधर को घूम रहा है आपका रडर, तो वो बोलेगा पोर्ट साइड घूम गया रडर। फिर आप हार्ड स्टारबोर्ड कर दें, हार्ड स्टारबोर्ड घुमाएं अपने हेल्म को, फिर वॉकी टॉकी पे पूछें, हाँ जी किस तरफ को रडर घूमना है। इस प्रकार से आप पूछें। इसके बाद में कंपास हेडिंग शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम ब्रिज। आप कॉक्सन की सीट पे बैठे हैं, कॉक्सन क्या होता है, कॉक्सन मतलब जो बोट के ड्राइवर को कहा जाता है, कॉक्सन जो ड्राइवर सीट पे बैठता है बोट की, ड्राइवर सीट पे, उसे कहते हैं कॉक्सन। जब आप कॉक्सन की सीट पे बैठे हैं तो आपने सबसे पहले तो इंजन चलाया, ठीक है, फिर आपने हेल्म पोर्ट स्टारबोर्ड दिया और बाहर वाले से चेक करवाया। आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, मैं ग्लोबल टैंकर्स में था, मैं और हम ड्राई डॉक में हैं, ड्राई डॉक में हैं, पीएससी भी आने वाली है। अब मैं चेक कर रहा हूँ रडर, रडर स्टारबोर्ड को घूम रहा है, बाहर भी बोला हाँ घूम रहा है, यस सर घूम रहा है, ठीक है। अब पोर्ट को घुमा रहा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ, वो घूमता ही जा रहा है, हेल्म घूमता ही जा रहा है, हेल्म फ्री हो रखा है, पोर्ट साइड घूम ही जा रहा है, बाहर पूछ रहा हूँ, हाँ जी पोर्ट साइड को गया सर, ये तो मिडशिप तक गया था रडर, उसके बाद तो गया ही नहीं पोर्ट। तो ऐसे बड़े बड़े कांड है, सोचिए लाइफ बोट इकलौती चीज है जो जान बचाएगी अबैंडन शिप के दौरान, उसकी ऐसी दुर्दशा। छोटी कंपनी खतरनाक होती हैं जान के लिए, आमदनी के लिए तो वैसे ही बेकार, जान के लिए भी बेकार। अब आगे हमने कॉक्सन की सीट पे हम बैठे, हमने इंजन ट्राई किए, हमने हेल्म चेक किया, रडर चेक किया, उसके बाद जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहाँ पे ही हमें दिखाई देता है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास की हेडिंग देखें क्या है, और फिर ब्रिज कमिंग, ब्रिज से यस गो अहेड। सर मे आई नो द कंपास हेडिंग प्लीज, 031 degrees, 031 कॉपीड सर, थैंक यू। आप देखें जो ब्रिज पे कंपास हेडिंग दिखा रहा है, मैग्नेटिक कंपास हेडिंग, वो ही आपके लाइफ बोट में भी वही कंपास हेडिंग दिखा रहा है या नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ठीक है,
ज्यादा ऊपर नीचे बिल्कुल खराब है। अगर एक डिग्री का भी अंतर है ऊपर नीचे तो तुरंत चीफ ऑफिसर और एवं कप्तान को बताइए कि ऐसा है भाई। ठीक, अब आप देखें इक्विपमेंट इन्वेंटरी मस्ट बी पोस्टेड। अब अंदर ही कहीं ना कहीं इन्वेंटरी चिपकी होगी। देखें अगर चिपकी नहीं है तो कहीं रखी हुई है, जहां सामान है सारा लाइफ बोट इक्विपमेंट्स हैं वहां पे ही ये चिपका होगा। लाइफ बोट इक्विपमेंट इन्वेंटरी जल्दी से इसे चेक करें। इसमें क्या क्या चेक करते हैं इन्वेंटरी में, चेक एक्सपायरी ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है ये चेक करें। फिर चेक करें इफ यू नीड टू ऐड मोर इक्विपमेंट्स। भाई इन्वेंटरी तो बनाई हुई है इक्विपमेंट्स की, वे इक्विपमेंट्स पर्याप्त हैं या नहीं? आपको प्री सी ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि एक लाइफ बोट की क्या क्या इक्विपमेंट्स होती हैं। आपको पता होना चाहिए एक लाइफ बोट के क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिस्ट सूची तैयार करके मैं डाल देता हूँ, तो देखें ये सारी चीज़ें उपलब्ध भी हैं या नहीं। हो सकता है जहाज पे हो ही ना, लाइफ बोट में हो ही ना। फिर चेक इफ ऑन लोड ऑफ लोड लोडिंग इंस्ट्रक्शंस आर पोस्टेड। दो तरह से आप लोड लोअर कर सकते हैं लाइफ बोट को, ऑन लोड रिलीज ऑफ लोड रिलीज, दोनों की इंस्ट्रक्शंस निर्देश चिपके होने चाहिए चित्रात्मक रूप में। जितने भी निर्देश हैं वे चित्रात्मक रूप में अवश्य होने चाहिए, लिखित रूप में भी हों सही है लेकिन चित्रात्मक रूप में होना अनिवार्य है। फिर आप देखें चेक कंडीशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड योर सिग्नेचर ऑन इट्स मंथली चेक। लाइफ बोट के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होता है, कौन सा, फोम वाला, फोम वाला होता है। देखें भाई मेरी पिछली भी एक इसी धारावाहिक की एक कड़ी है पिछली, फायर एक्सटिंग्विशर चेक्स, उसमें जो जो चेक्स बताए हैं वो सारे चेक्स आपको इस फायर एक्सटिंग्विशर में भी करने हैं। उसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे भी अवश्य देखें क्योंकि वो सारे चेक्स आपको इस फायर एक्सटिंग्विशर पे भी करने हैं। ठीक है, और वीकली चेक्स होते हैं, वीकली चेक्स में आप कुछ वीकली चेक्स करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के और हस्ताक्षर करते हैं, तिथि लिखते हैं हस्ताक्षर करते हैं। जब लाइफ बोट में आए हो तो ये काम भी कर दो। ठीक है, चेक ऑल इक्विपमेंट्स कंडीशंस एंड एक्सपायरी। आपने सबसे पहले लाइफ बोट इन्वेंट्री देखी, ठीक है, लाइफ बोट इक्विपमेंट इन्वेंट्री जो सूची है सामान की वो आपने देखी, उसमें आपने देखा एक्सपायरी वगैरह सबका देखा, देख लिया, बहुत अच्छा किया देख लिया। अब उसको साइड रखो, अब असल में निकालो एक एक सामान, एक एक सामान का निरीक्षण करो, सब ठीक है, कुछ विध्वंस तो नहीं हो रहा, कुछ टूट फूट तो नहीं रहा, किसी में जंग तो नहीं आ रही, कुछ ज़्यादा गंदा तो नहीं है, कुछ बदलना तो नहीं है, कुछ एक्सपायर तो नहीं हो रहा। खुद अपनी आंखों से पढ़ो हर एक चीज़ पे एक्सपायरी। इन्वेंट्री पे अंधविश्वास मत करें, क्या पता इन्वेंट्री में गलत लिखा हो। अब जब आप इन इक्विपमेंट्स का परीक्षण कर रहे हैं ना, तो परीक्षण के साथ साथ निरीक्षण कर रहे हैं, तो निरीक्षण के साथ साथ परीक्षण भी करें। परीक्षण मतलब टेस्ट, अब किस किस को टेस्ट कर सकते हैं आप? देखिए टॉर्च होगी ना, टॉर्च को तो टेस्ट कर सकते हो, टॉर्च को जलाकर देखो जल रही है या नहीं, उसकी बैटरीज की एक्सपायरी तो देखेंगे आप, जलाकर भी देखो जल रही है या नहीं। टॉर्च के सिवा क्या होता है, डिपर कह लें या सर्च लाइट कह लें, वो होती है, उसको चला कर देखें चल रही है कि नहीं। दो मोड होते हैं उसके, एक फ्लैशिंग वाला मोड होता है, ठीक है ना,
आप जैसे गोली होती है, ट्रिगर होता है गोली का, घोड़ा, तो ऐसे आप दबाते हैं तो वो फ्लैश करती है। एक ये वाला मोड होना चाहिए, एक दूसरा मोड होना चाहिए कि दबाओ तो ऑन ही रहे। ये दोनों मोड चल रहे हैं कि नहीं, परीक्षण करें और अवलोकन करें। चेक द सीट बेल्ट्स आर इन गुड कंडीशन एंड कैन बी लेड फास्ट। एक बार ना सभी सीट बेल्ट्स को देखें, कोई टूटी तो नहीं है, फिर लगाकर देखें बंद हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, बकल खराब तो नहीं हो गए, बेल्ट खराब तो नहीं होगी, लॉकिंग अरेंजमेंट खराब तो नहीं हो गया, लॉकिंग अरेंजमेंट जाम ही तो नहीं हो गया, खुल ही नहीं रहा, ये सब देखें। चेक इफ IMO स्टिकर्स आर पेस्टेड। IMO स्टिकर्स के बारे में मैंने ये आपको मैंने नियम एक बताया, LSA की बात हो रही है, FFA की बात हो रही है, जहां जहां पे भी ये LSA है, जहां जहां पे भी FFA है, वहां पे अनिवार्य रूप से IMO स्टिकर चिपका होना चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है, ये अनिवार्य क्यों है? यदि जहाज पे ब्लैकआउट होता है, अंधेरा हो गया, अंधकार में भी ये जो IMO स्टिकर्स है वे चमकते हैं, जैसे रेडियम वाले स्टिकर आप चिपकाते थे बचपन में और वे चमकते थे रात को, इसी प्रकार से ये चमकते हैं और ये बहुत महंगे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं ये स्टिकर। अब आप जब लाइफ बोट के अंदर हैं, यहां पे कौन से IMO सिंबल्स चिपके होने चाहिए? जहां पे आपका फूड रखा हुआ है, ठीक है ना, रेशन जो बिस्किट होते हैं वो रखे हैं लाइफ बोट के अंदर, वहां पे फूड का IMO सिंबल, जहां पे पानी रखा है वहां पे वाटर का IMO सिंबल, जहां पे आपके रॉकेट पैराशूट्स हैं